हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ खास समर टिप्स जिससे इन गर्मियों के दिनों में आपका किचन का काम हो सकता है बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं इस टिप्स को। गर्मियों के दिनों में जब भी घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए नींबू शरबत बनाते हैं। नींबू शरबत बनाते वक्त इसमें डाली हुई चीनी मिक्स करना काफी टाइम का काम होता है, तो इससे बचने के लिए हम पहले से ही इसके लिए शुगर सिरप बना के रख सकते हैं। इसके लिए आप गैस पे किसी पैन में पानी और चीनी को अच्छी तरीके से उबाल लें। जब ये अच्छी तरीके से उबल जाए तो इसे अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद किसी ग्लास के जार में भर के इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी गेस्ट आए हम इस शुगर सिरप, पानी और नींबू को मिक्स करके कुछ ही मिनटों में नींबू शरबत को बना सकते हैं। गर्मियों के दिनों में मैंगो, ऑरेंज और वाटरमेलन ऐसे कई सारे फ्रूट्स के जूसेस तो घर में बनते ही रहते हैं। कई बार ये जूसेस काफी क्वांटिटी में बच भी जाते हैं, तो इन जूस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप इससे पॉप्सिकल बना सकते हैं। इससे इन जूस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी हो जाएगा। और आर्टिफिशियल पॉप्सिकल खाने से अच्छा हम बच्चों को नेचुरल जूस से बने हुए पॉप्सिकल्स भी दे सकते हैं। जूस की तरह ही गर्मियों के सीजन में कटे हुए फ्रूट्स भी कई बार फ्रिज में बच जाते हैं, तो इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इन फ्रूट के पीसेस को आप आइसक्रीम या फिर पॉप्सिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये कुछ डिफरेंट कलर के पॉप्सिकल बनेंगे जो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। ये दिखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। गर्मियों के दिनों में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले नींबू को अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए आप इसको अच्छी तरीके से काट कर इसका पूरा जूस निकाल लें और इस जूस को आइस ट्रे में भरकर इस नींबू के जूस के आइस क्यूब आप बना के रख सकते हैं। इस तैयार आइस क्यूब को किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में रखकर आप इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखें और जब चाहे तब आप इसके जूस या फिर नींबू शरबत में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट भी हो जाता है और आपके जूस को ठंडा भी कर लेता है। समर सीजन शुरू होते ही हर घर में आइस टी या फिर कोल्ड कॉफी तो बनती ही है, तो कॉफी को झटपट बनाने के लिए आप आइस क्यूब की तरह ही इस कॉफी कॉन्सेंट्रेट को आइस क्यूब के ट्रे में जमा कर रख सकते हैं। और जब आपको कॉफी बनानी हो सिर्फ इस कॉफी के क्यूब्स और ठंडा दूध डाल के बहुत ही इंस्टेंटली कोल्ड कॉफी या फिर आइस टी बना सकते हो। समर सीजन शुरू होते ही कई सारे लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी हार्मफुल होता है। इससे अच्छा आप मटके का पानी जरूर पिए जो हमारी बॉडी के लिए काफी यूजफुल होता है। अगर आपके घर में मटका हो और इसमें बिल्कुल भी पानी अगर ठंडा ना हो रहा हो तो आपके लिए एक खास टिप, आप इस मटके को किसी गीले कपड़े से अच्छी तरीके से कवर करके रखें, आपके मटके का पानी जरूर ठंडा होगा। गर्मियों का सीजन हो और बच्चे पॉप्सिकल या फिर आइसक्रीम ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब भी बच्चे पॉप्सिकल, कुल्फी या आइसक्रीम खाते हैं तो इनका चेहरा और कपड़े बच्चे काफी खराब कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए जब भी बच्चों को पॉप्सिकल देना हो तो इनको कुछ इस तरीके के मफिन के पेपर कप में दे, इससे इसके जो ड्रॉप गिरेंगे इस पेपर कप में ही गिरेंगे और बच्चे के फेस और कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जब भी हम घर में वाटरमेलन कट करते हैं कई बार आधा बचा हुआ वाटरमेलन हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। जब बाद में इसे हम निकालते हैं इसका ऊपर का पार्ट कई बार सूखा हुआ दिखता है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जब भी आप बचा हुआ वाटरमेलन फ्रिज में रखें तो इसे क्लिंग रैप पेपर से या फिर सिल्वर फॉइल पेपर से कवर करके रखें। ऐसा करने से ये वाटरमेलन फ्रिज में भी फ्रेश बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खास समर टिप्स। आई होप कि इसमें से कई सारे टिप्स आपको यूजफुल रहे होंगे। अगर आपको ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।